वंदे मातरम। इतिहास अंगड़ाइयाँ ले रहा है, कुछ गलतियाँ ठीक की जा रही हैं, नए भारत का सृजन हो रहा है। ऐसे में आज़ादी की एक और उड़ान तमाम उम्मीदें जगाती है। कृषि से विज्ञान तक हर जगह हम अपनी बुलंदी का झंडा फहरा चुके हैं। मुश्किलों से लड़ते हुए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी हमें सिर्फ चरखा चलाने से नहीं मिली। इस आज़ादी की हमने बड़ी कीमत चुकाई है। लाखों या जो कहें अनगिनत लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। आज़ादी के जय घोष का तब भी एक ही मंत्र था, आज भी वही मंत्र है, वंदे मातरम। हम हैं नित नूतन किंतु चिर पुरातन, क्योंकि धर्म है हमारा सनातन। भारत के इतिहास में युग कोई भी हो, हमारे कवियों ने सदैव प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की बात की। ये कभी कभी मार्गदर्शक बने तो कभी आम लोगों की आवाज़। आज भी हमारे साथ देश के जाने माने कवि हैं। महाराष्ट्र के पुणे से मयंक वैद जी हमारे साथ हैं। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कवि मित्र यश धुरंधर जी भी आसन पकड़े हुए हैं। यश भाई, बहुत अभिनंदन है आपका। विंध्य के सिंगरौली से विजयलक्ष्मी शुक्ला जी तशरीफ आई हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू और शौर्य से सराबोर सबके प्रिय पवार राजस्थानी जी हमारे बीच हैं। पवार साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक ऐसे कवि हैं जिन्हें हम हास्य व्यंग और राष्ट्रवाद के काव्य आकाश का धूमकेतु भी कह सकते हैं, सम्मानीय धूमकेतु जी। आप सभी दखल के स्टूडियो में आए, आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। कविताओं का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मुझे रामावतार त्यागी जी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं उन पंक्तियों को आज मन कर रहा है पढ़ने का। कि मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कह रहा, फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर भाल भी, जब भी कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कणकण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बांध दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गांव मेरे द्वार घर मेरे आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीर का तरण तरण समर्पित। इस तरह की कविताएं जब देश में लिखी गईं उसके बाद एक क्रांति का उदय हुआ। क्रांति की सदैव जरूरत होती है, जरूरी नहीं कि आज़ादी के लिए ही क्रांति हो। सबसे पहले देश की शान महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की शान पुणे और पुणे की शान मयंक वैद जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं मयंक जी से आग्रह करूंगा कि कविता रसकों को शब्दों की गंगा से सराबोर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दखल न्यूज़ चैनल का बहुत आभारी हूं कि इस सुअवसर पर हम कवियों की इस टोली को आमंत्रित किया और ये काव्य गोष्ठी, ये काव्य सम्मेलन सजाया है। एक मुक्तक से मैं शुरुआत करता हूं। काव्य के ये सुमन तुम्हारे लिए, काव्य के ये सुमन तुम्हारे लिए, मेरा तन और मन तुम्हारे लिए, मेरा जीवन तुम्हें समर्पित है, मेरा जीवन तुम्हें समर्पित है। मां भारती नमन, मां भारती नमन तुम्हारे लिए। एक घनाक्षरी आप सभी के सम्मुख रख रहा हूँ। आज ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी अपने ध्वज को लहरा रहे हैं और कई सारे मेडल्स अपेक्षा से परे, अभी जैसे कि हॉकी में हमको पदक प्राप्त हुआ, तो
भारत की संस्कृति को बखान करते हुए गनाक्षरी आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि भारत की संस्कृति है ये ऐसी संस्कृति जिसका बखान कई दिग्गज है। भारत की संस्कृति है ये ऐसी संस्कृति जिसका बखान कई दिग्गज है कर गए। राधा श्याम सीता राम पावन है चारों धाम, राधा श्याम सीता राम पावन है चारों धाम, बड़े बड़े देवता हैं कोख इसके भर गए। धरती कुटुंब सारी यही रीति है हमारी है, धरती कुटुंब सारी यही रीति है हमारी, अतिथि का मान प्राण देकर भी धर गए। शस्य श्यामला है तन मोह लेती सबका मन, सुखों की धरा है यहाँ दुख सारे, धरा है यहाँ दुख सारे। हमारे बीच तारा धूमकेतु हर्ष का एक सशक्त हस्ताक्षर मौजूद है, उनकी अनुमति हो तो एक कुंडली सुनाई लिखने का प्रयास किया है। आपने सशक्त हस्ताक्षर का, वो तो एटम बम है। तो सुनिएगा, एक कुंडली छंद रखने का प्रयास करता हूँ। कुंडली छंद की विशेषता ये होती है कि जिस शब्द से ये शुरू होता है उसी शब्द पर इसका समापन होता है। सुनिएगा, बातें देश प्रेम की सुनकर नेताजी मुस्काए, बातें देश प्रेम की सुनकर नेताजी मुस्काए, देशभक्त हमसे बड़ा कौन यहाँ बतलाए। क्या बात है, कौन यहाँ बतलाए देशभक्ति के मानी, भ्रष्ट बड़े नेताजी ढूंढे अपना सानी। कहते कभी मयंक पड़े ना उनको लाते हैं, कहते कभी मयंक पड़े ना उनको लाते हैं, अरे देश प्रेम के नाम करें जो खोखली बातें। शुक्रिया। 75वीं वर्षगांठ हम अपनी स्वतंत्रता की मना रहे हैं, तो एक गीत आप सभी की नजर करना चाहूंगा, आशीर्वाद दीजिएगा। शुभ दिन है आज बड़ा नाचें और गाएं, शुभ दिन है आज बड़ा नाचें और गाएं, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाएं। शुभ दिन है आज बड़ा नाचें और गाएं, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाएं। कुछ पंक्तियां भारत के बारे में सुनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वैसे मैं बीच में रोक रहा हूँ, अगर आईटी के क्षेत्र का कोई व्यक्ति कविताएं करे तो बड़ा सुखद संयोग होता है कि हमारी देश की जो नई पीढ़ी है वो सरोकारों से सरोकार रखती है लेकिन संस्कारों के साथ। शुभ दिन है आज बड़ा नाचें और गाएं, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाएं, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाएं। मस्तक पे उन्नत हिमालय सजा है, मस्तक पे उन्नत हिमालय है न्यारा, जिसके चरण धोए सागर की धारा, जिसके चरण धोए सागर की धारा, गौरव भरा है इतिहास हमारा, गौरव भरा है इतिहास हमारा, गाथा ये गौरव की सबको सुनाए, गाथा ये गौरव की सबको सुनाए, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाए, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाए। कुछ पंक्तियां और भारत की संस्कृति के बारे में सुनिएगा। भारत की संस्कृति सबसे निराली, भारत की संस्कृति सबसे निराली, इसमें भजन भी है और है कव्वाली, इसमें भजन भी है और है कव्वाली, ईद की खुशियां भी हैं और है दिवाली, ईद की खुशियां भी हैं और है दिवाली, मेल दिलों का ये जग को सिखाएं, मेल दिलों का ये जग को सिखाएं, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाएं, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाएं। और विशेषता देखिएगा हमारे देश की,
कि पग पग चाहे बदले भाषा और बोली, पग पग चाहे बदले भाषा और बोली, उत्सव मनाए मिल मस्तों की टोली, उत्सव मनाए मिल मस्तों की टोली, जैसे विविध रंगों की हो रंगोली, जैसे विविध रंगों की हो रंगोली, प्रेम के इन रंगों से सबको भिगाए, प्रेम के इस रंगों में सबको भिगाए, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाए, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाए। और ये जो धरोहर हमको हमारे शहीदों ने अपने बलिदानों के जरिए दी है, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। लाखों बलिदानों की है ये कमाई, लाखों बलिदानों की है ये कमाई, तब जाके पाई ये स्वर्णिम लिखाई, तब जाके पाई ये स्वर्णिम लिखाई, 75 साल हुए सबको बधाई, 75 साल हुए सबको बधाई, वीर शहीदों को हम शीश नवाए, वीर शहीदों को हम शीश नवाए, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाए, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाए, पर्व ये स्वतंत्रता का मिलकर मनाए। बहुत शानदार मयंक जी, आपने जो शब्द चित्र खींचा भारत के बारे में, देश के बारे में, और हम अगर आज आजाद फिजाओं में सांसें ले रहे हैं तो उसके पीछे वाकई वो बलिदानी हैं जिनकी बदौलत आज हम एक शांति का जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत शानदार रचनाएं आपकी। अगले कवि को हम सुने उससे पहले मुझे सुशील कुमार एक कवि हैं, उनकी पंक्तियां याद आ रही हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उन पंक्तियों को मैं जरूर आप सबकी नज़र करना चाहता हूँ। आजादी का ये कैसा मतलब तुमने जाना, सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि को ही तुमने आजादी माना, भारत की इस आजादी में कितनों ने मृत्यु का वरण किया, कितनों ने अपना घर छोड़ा, कितनों ने जीवन मरण किया, अनगिनत अनाम शहीद हुए आजादी के मतवाले थे, भारत माँ की पुकार पर वो कब रुकने वाले थे, संघर्षों की आजादी को हमने यूं बदनाम किया, राजनीति को सिर पे चढ़ाकर हमने ऊंचा काम किया, आजादी का मतलब क्या गाली की अभिव्यक्ति है, आजादी का मतलब क्या पाक की अंधभक्ति है, आजादी का मतलब क्या जेएनयू के प्यारे हैं, आजादी का मतलब क्या देशद्रोह के नारे हैं, आजादी का मतलब क्या पाक परस्ती होना है, आजादी का मतलब क्या कश्मीर को खोना है, आजादी का मतलब क्या कश्मीर के पत्थर हैं, आजादी का मतलब क्या विस्फोटों के उत्तर हैं, आजादी का मतलब क्या शिशुओं की सिसकारी है, आजादी का मतलब क्या बच्चों की बेगारी है, आजादी का मतलब वीर सुभाष का मान है, आजादी का मतलब भगत सिंह का बलिदान है, किस्म किस्म की कुर्बानियां लोगों ने दी, तब जाकर हम आजाद हुए और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन शहीदों का ऋण है हम पर जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई। वे बड़े धुरंधर थे, पराक्रमी थे, एक पराक्रमी कवि हास व्यंग को अपना अस्त्र शस्त्र मानने वाले युवा धुरंधर कवि यश धुरंधर जी को हम आमंत्रित करेंगे, उन्हें सुनेंगे, हो सकता है वो गुदगुदाएं, कुछ सोचने पे बेवश करें। सभी को प्रणाम करता हूँ, माँ वीणा बाजी को नमन करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मन पुलकित है, तन हर्षित है, भाग्य हमारे धन, मन पुलकित है, तन हर्षित है, भाग्य हमारे धन, आजादी की वर्षगांठ पर शत शत अभिनंदन, आजादी की वर्षगांठ पर शत शत अभिनंदन। चार पंक्तियां आप सभी कवि मित्रों को देना चाहता हूँ कि तिल रुखसार नयन कटार, तिल रुखसार नयन कटार, सुडोल खड़ी कुछ शर्म करो, तिल रुखसार नयन कटार, सुडोल कटी कुछ शर्म करो, जटिल विषय है अभी और भी, उन पर भी कुछ ध्यान धरो, उलझी अरे उलझी जुल्फों को तुम कब तक सुलझाओगे कभी वरो, उलझी जुल्फों को तुम कब तक सुलझाओगे कभी वरो, धर्म संस्कृति राष्ट्र हित पर
कुछ तो लिखो ये मानवर, कुछ तो लिखो ये मानवर। और चार पंक्तियां और दखल न्यूज को देना चाहता हूँ, आदरणीय भाई अनुराग जी संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चार पंक्तियां परिवार को देना चाहता हूँ कि दिल से दिल के तार जुड़े हैं, जन्मों के संस्कार जुड़े हैं, दिल से दिल के तार जुड़े हैं, जन्मों के संस्कार जुड़े हैं, और चाहे हो कितनी भी दूरी फिर भी ये व्यवहार जुड़े, चाहे हो कितनी भी दूरी फिर भी ये व्यवहार जुड़े हैं। और चार पंक्तियां देना चाहता हूँ कि हम धीर हैं, हम वीर हैं, हम बहुत गहन गंभीर हैं, हम धीर हैं, हम वीर हैं, हम बहुत गहन गंभीर हैं, हम मीर हैं, हम पीर हैं, हम सांस्कृतिक प्राचीर हैं, हम संस्कारवान हैं, पर पीड़ा के वाहक हमी, कुटिल कुकर्मी के विरुद्ध भक्ति हमारी सदा कुकर्मी के विरुद्ध भक्ति हमारी सदा तनी। और हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के बारे में चार पंक्तियां कहना चाहते हैं कि हम भारतीयों की शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह हो, हम भारतीयों की शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह हो, बल शील साहस पराक्रम सदा भरा उत्साह हो, हर एक दूसरे के दिलों में सद्भावना सद्भाव हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। और इस पावन अवसर पे हम पाकिस्तान को भी नहीं भूलेंगे। तो चार पंक्तियां हम दखल न्यूज के माध्यम से आप पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं कि तू पाक है तो पाक रे, पाक है आप तो कविता पाक में रे। आप कविता में वो बात कह रहे हैं जो उनसे संभव ही नहीं हो पाएगा। तू पाक है तो पाक रे, नापाक बन के क्यों तना, तू पाक है तो पाक रे, नापाक बन के क्यों तना, हम रहें दिल करुणा मई, मिलती रही तुझको पना, और यदि युद्ध छिड़ा तो, यदि 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 युद्ध छिड़ा तो देख लेना, हासिल कुछ ना आएगा, सो जाएगा चिर निद्रा में, भारत अखंड हो जाएगा। सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, इस बार तुम्हारे फौजियों की धज्जियां हम उड़ा देंगे, काबुल ढाका और कराची में झंडे को फेरा देंगे, और हम बाप तुम्हारे मत भूलो, जहन्नुम तुम्हें पहुंचा देंगे, हम बाप तुम्हारे मत भूलो, जहन्नुम तुम्हें पहुंचा देंगे। ये तो मेरा मेरी स्टाइल जो मैं कविता पढ़ता हूँ वो था, लेकिन मैं ये कहिए आप ये कहिए यश, ये तो मेरा ट्रेलर था, ये तो मेरा पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है। नहीं मैं थोड़ा सा व्यंग करना चाहता हूँ, सुनाइए। आज महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, उसको भी एक रचना रखना चाहता हूँ, और मेरी वर्षों पुरानी कई कविता है, और जो आज भी संदर्भ वही चल रहा है, तो वो भी हाथ से भी पढ़ना चाहता हूँ दादा। आज ने सबसे पहले मैं एक क्षणिका आपके बीच में रखना चाहता हूँ, अंतिम सांस ले रहे, अंतिम सांस ले रहे गिरगिट को बच्चों ने पशु पक्षियों के अस्पताल पहुंचा है। अच्छा। अंतिम सांस ले रहे गिरगिट को बच्चों ने पशु पक्षियों के अस्पताल पहुंचाया, तो डॉक्टर साहब ने चेकअप के बाद बताया। मैं भैया डॉक्टर साहब ने चेकअप के बाद बताया, इसे कोई रोग नहीं है बाल गोपाल, इसे कोई रोग नहीं है बाल गोपाल, इसके सामने पड़ गया था केजरीवाल, इसके सामने पड़ गया था केजरीवाल, जरा सा शर्मा गया है, जरा सा चक्कर आ गया। एक कविता आपके बीच में रख रहा हूँ कि छोटी मोटी चीजें घट सस्ती हो जाएं, इतना विशाल महंगाई का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई मांग कर रहे हैं, कोरोना के नाम पे महंगाई बढ़ा दी गई है, कि छोटी मोटी चीजें घर सस्ती हो जाएं, पछाड़ दिया महंगाई को, हम मोदी के गुण गाएं। क्या बात है,
छोटी मोटी चीजें घर सस्ती हो जाएं, पछाड़ दिया महंगाई को हम मोदी के गुण गाएं, चाय समोसा आलू बोंडा सब में आग लगी है। वाह भाई कहां से चाय समोसा आलू बोंडा सब में आग लगी है, देसी ठर्रा मजबूरी है महंगाई दिल लगी। अब गरीब को देसी पी रहा है भैया, देसी ठर्रा मजबूरी है महंगाई दिल लगी है, और आग उगलते सब्जी वाले लूट मची है भारी, और अच्छे दिन अरे अच्छे दिन कब आएंगे अभी तो हाहाकारी, अच्छे दिन कब आएंगे अभी तो हाहाकारी। खड़ा हुआ नमकीन बिक रहा 200 रुपए किलो में, या पेट्रोल की बात कर लें, खड़ा हुआ नमकीन बिक रहा 200 रुपए किलो में, जहर पिला के जहरीले छिप गए सभी बिलों में, छापे कैसे मारे उन पर जो है भाई भतीजे, और निश्चित मामू जेल जाएंगे आएंगे जब नतीजे। या इसको यूं भी बोल सकते हैं, जिस दिन चाचू जेल जाएंगे आएंगे जब नतीजे, जिस गरीब ने जनता जनार्दन बहुत बहुत धन्यवाद, जिस गरीब ने आगे बढ़कर तुमको सत्ता सौंपी, घर तरफाया इन्हें तो उछाल देंगी ये टोपी, घर तरफाया इन्हें तो उछाल देंगे टोपी। इसलिए कहता हूँ छोटी मोटी चीजें घर सस्ती हो दद्दा, छोटी मोटी चीजें घर सस्ती हो जाए, पछाड़ दिया महंगाई को हम मोदी के गुण गाएं। एक कविता आपके बीच में रख रहा हूँ, और कविता मेरी जंग अखबार पाकिस्तान में भी छपी थी, ये वाली ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, लेकिन स्वागत आप सभी के बीच में। कि घोटालों पर घोटाले थे, कोरे थे सब वादे, घोटालों पर घोटाले थे कोरे थे सब वादे, वो चाय वाले से पंगा मत ले ओ मेरे शहजादे, चाय वाले से पंगा मत ले ओ मेरे शहजादे, ढीले ढाले घोड़े खच्चर सेना नायक चोक, ढीले ढाले क्या हो रहा है, ढीले ढाले घोड़े खच्चर सेना नायक चोर, और कैसे जीतोगे तुम उनसे जिनके बुलंद इरादे, चाय वाले से पंगा मत ले ओ मेरे शहजादे। बहुत बढ़िया शुक्रिया। और बिल्ली मौसी प्रसन्न हो रही बंदर को लड़वा, बिल्ली मौसी प्रसन्न हो रही बंदरों को लड़वा कर, गिरनार का शेर है वो, गिरनार का शेर है वो, तुम शतरंज के प्यादे चाय वाले से पंगा मत ले ओ मेरे शहजादे। और वंशवाद में पले बड़े हो गरीबी को जान मत जानो, वंशवाद में पले बड़े हो गरीबी को क्या जानो, लोह पुरुष का सरदार पटेल लोह पुरुष का पदगामी वो, तुम चंदनी बुरा दे चाय वाले से पंगा मत ले। एक इसी में एक मैंने बंद अभी किया है आते आते, चाय वाले से पंगा लिया बड़ा जहरीला पे, चाय वाले से पंगा लिया बड़ा जहरीला पिट, बूढ़ी जर्जर कांग्रेस चारों खाने चित, बूढ़ी जर्जर कांग्रेस चारों खाने चित, बदबू देती सड़ी लाश को जल्दी से दफना दे, और चाय वाले से फिर पंगा ले ओ मेरे शहजादे, चाय वाले से फिर पंगा ले ले ओ मेरे शहजादे। और अंतिम कविता आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि वो कविता बहुत जरूरी है, और मेरा जो मैं जिस वास्ते जाना जाता हूँ पहचाना जाता हूँ, वो कविता करने के बाद ही मेरा कविता पाठ समाप्त होगा। स्वागत। बरसों से हम जूझ रहे हैं दुनिया आंखें नीचे, बरसों से हम जूझ रहे हैं दुनिया आंखें नीचे, एक झटके में ऊंट आ गया आज पहाड़ के नीचे, शांति प्रतिमा जिसने तोड़ी और किया अपमान, स्वर्णिम अफसर आज मिला है मच्छू के चौहान, आज मिला है मच्छू के चौहान, एक एक करके सभी नजारे आंखों में आ जाते, क्या हो रहा है देश के अंदर, एक एक करके सभी नजारे आंखों में आ जाते, भेष बदल कर अमरनाथ की यात्रा में घुस जाते, तुम तो मेरे भाईजान हो गले से लग जाते, मौका मिलते ही जिहादी गला काट ले जाते, कितनी बार कहा है समलो अरे कितनी बार कहा है समलो, कोई नहीं समला लोकतंत्र पर आज हो रहा ये निर्लज हमला, लौटा सकते हो लौटा दो माँ का स्वाभिमान, स्वर्णिम अवसर आज मिला है मच्छू के चौहान। विदेशों से कुछ लोग हमारे देश में आ गए, और हमारे देश में आके क्या क्या नहीं किया,
बहनों की नंगी जंगा पर क्या क्या था गुजवाया, बहनों की नंगी जंगा पर क्या क्या था गुजवाया, बच्चों के संग खूनी होली कितना खून बहाया, काबुल और कंधार में जिनने हमको था तड़फाया, जहालत और जुनून के नगमों को भी था सुनवाया, अरे रक्त भवानी आज मांगती प्यासी है तलवार, और चूक गए तो पीढ़ी कहेगी नपुंसक थी, सरकार रख सकते हो, अरे रख सकते हो आज रख लो रक्त चंडी का मान, स्वर्णिम अफसर आज मिला है बच्चों के चौहान, स्वर्णिम अफसर आज मिला है बच्चों के चौहान। कविता का अंतिम मन दे दे रहा हूँ आपके बीच में, स्वागत है, कर सकते हो करो सफाई पहले घर से यारो, कर सकते हो करो सफाई पहले घर से यारो, वोटों के सौदागर को घर मार सको तो मारो, जहरीली जो हवा चलाए उनको मत पुचकारो, और जो जो हमको बांटना चाहे उनको भी संघारो, क्या बात, सरेआम जो लूट रहे मानव का सुख चैन, सरेआम जो लूट रहे मानव का सुख चैन, पूरी दुनिया को हाकेंगे दाऊदोल्ला देन, कर सकते हो, अरे कर सकते हो आज कर लो गीता का सम्मान, स्वर्णिम अफसर आज मिला है बच्चों के जवान, जय हिंद जय भारत। जुल्फों से शुरुआत की थी जश्न और वो पाकिस्तान तक पहुंच गए, इस बीच में नरेंद्र मोदी चौहान एक एक करके उन्होंने सारे विषयों को छूने की कोशिश की, और एक कवि की खूबी ये होती है कि अगर हुक्मरान अच्छा काम करते हैं तो कवि खुलकर उनकी तारीफ करता है, और जब हुक्मरान नकारा होने लगते हैं तब भी कवि उनकी आलोचना से कोई गुरेज नहीं करता। अच्छी बात यह जी ने जो सुनाया वो यथार्थ था, ऐसे ही कई सारी कविताओं को अभी हमें और सुनना है, वंदे मातरम जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है, फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर, विजिट LNCTU.ac.in। वंदे मातरम में आपका स्वागत है, यश जी को आपने सुना, उन्होंने मजा बांध दिया, एक छोटी सी रचना, एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है, इन दो आदमियों के बीच में एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटियों से खेलता है, मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, इस पर मेरे देश की संसद मौन है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से विजय लक्ष्मी शुक्ला जी हमारे बीच में पधारी हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनके शब्दों में गीत सी लय है, गजल सी खुमारी है, और मुक्तकों में सारी दुनियादारी है, आप और हम विजय लक्ष्मी जी को सुने, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, दखल न्यूज के समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। सर मंच में उपस्थित आज के समस्त विद्वत जन कवि साथियों को प्रणाम करती हूँ, दखल की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे दोनों तरफ बुजुर्गों का साया है और इनके छत्र छाया में मैं कविता पाठ कर रही हूँ आज। प्रथम चार पंक्तियाँ सदैव की भांति मैं माँ प्रकृति के चरणों में रखती हूँ, और प्रकृति के चरणों में इसलिए रखती हूँ कि मेरे देश की प्रकृति क्या है, सनातनी परंपरा क्या है, इसको इन चार पंक्तियों में आप महसूस करेंगे, सुनिएगा। नमन दिन कर को करती हूँ, नमन दिन कर को करती हूँ, धरा जिनसे प्रकाशित है, नमन दिन कर को करती हूँ, धरा जिनसे प्रकाशित है, नमन उपवन लताओं को, नमन उपवन लताओं को, धरा दिन से सुवासित, नमन माता पिता
नमन वैदिक ऋचाओं को वेद जिन से सुभाष नमन वैदिक ऋचाओं को वेद जिन से सुभाषित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने लगातार दाद दी और ये चार पंक्तियाँ जैसा कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर हम 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और ऐसे में एक कवित्री के मन का भाव क्या होता है देश के प्रति आप सुनिएगा। अर्पित 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 है तिरंगे को भक्ति भावना मेरी अर्पित अर्पित है तिरंगे को भक्ति भावना मेरी इस राष्ट्र के लिए है प्रभु से कामना मेरी इस राष्ट्र के लिए है प्रभु से कामना मेरी मन मन तार है अपना स्वतंत्रता दिवस सदै मन तार है स्वतंत्रता दिवस यह सदा स्वीकारो आप सब भी ये कामना मेरी ये कामना मेरी सच ये कामना मेरी। और सदैव की भांति ये चार पंक्तियां मैं अपने पहचान के प्रस्तुत करती हूँ सुनिएगा और इस राष्ट्र की संस्कृति के प्रति समर्पित करती हूँ सुनिएगा। दर्पण 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 भी वफा काम दरकने नहीं दूंगी दर्पण भी वफा काम दरकने नहीं दूंगी पानी कभी भी आंख का मरने कभी भी आंख का मरने नहीं दूंगी मैं अपने बुजुर्गों की आन बान शान का मैं अपने बुजुर्गों की आन बान शान का पल्लू कभी भी सर से सरकने नहीं पल्लू कभी भी सर से सरकने नहीं दूंगी। और ये चार पंक्तियां सुनेगा अभी मेरे यश भाई ने आपने सुना ही होगा कि तमाम सारी बातें की पाकिस्तान को बातों ही बातों में निपटाया तो मैं ये कहती हूँ कि बात भी क्या करने की जरूरत है निपटी हुई चीजों पर दृष्टि क्यों डालना हमारी संस्कृति अब शिष्टों पर दृष्टि डालने की नहीं है हम तो शिष्टों पर दृष्टि डालते हैं। सुनिए ये चार पंक्तियां बड़ी संवेदनशील पंक्तियां हैं एक शहीद के पूर्व की व्यथा एक जब वो जवान जो देश की रक्षा में तैनात है अपने परिवार से दूर है अपनी पत्नी से दूर है और उस पत्नी की भावना होती है जब आपस में वो भाषाई संप्रेषणीयता के माध्यम से वो एक दूसरे से बात करते हैं तो देखिए एक शहीद के पूर्व एक एक सैनिक का रोमांस क्या होता है इसको सुनिए। वो कहती है वो पूछता है कि मेरे बारे में तुम क्या समझती हो और मेरे बारे में तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे कहो तो देखिए क्या कहती है वो कि तुम कहाँ रहते हो मैं तुम्हारे दिल में कहाँ रहता हूँ वो जवाब क्या देती है सुनिए। रक्त बन कर धमनियों में बहते हो तुम रक्त बन कर धमनियों में बहते हो तुम अच्छा लगता है जैसा भी कहते हो तुम अच्छा लगता है जैसा भी कहते हो तुम प्राण सम हो प्रतिष्ठित हृदय में मेरे याद आते नहीं याद रहते क्या बात याद आते नहीं याद रहते हो तुम। और देखिए भारतीय नारी की शिष्टता जो है उसके भावना में कैसे बहती है वो सुनिएगा। आगे की चार पंक्तियां उसके आरती का मुक्तक है ये सुनिएगा। आरती नायक के प्रति नायिका की श्रेष्ठ भावना आरती के मेरे तुम प्रथम फूल हो आरती के मेरे तुम प्रथम फूल हो धर्म और अर्थ के भी तुम ही धर्म
तुम्ही मूल हो, धर्म और अर्थ के भी तुम्ही मूल हो। कल्पना मैं करूं जब सृजित सृष्टि की, कल्पना मैं करूं जब सृजित सृष्टि की, भाव संवेदना के भी अनुभव, भाव संवेदना के भी अनुकूल हो। और ये चार पंक्तियां सुनिएगा कि अभी बात संस्कृत की भाषा की हो रही थी, तो ये देखिए हम कवियों के और वो भी श्रृंगार की कवित्री की संस्कृत भाषा क्या है और हमारा संविधान क्या है, ये नव मुक्तक है, सुनिएगा। भावों के धरातल का सुख स्वरूप करूंगी, भावों के धरातल का सुख स्वरूप करूंगी, प्रत्येक आचरण तेरे अनुरूप करूंगी, प्रत्येक आचरण तेरे अनुरूप करूंगी। अब लक्ष्य है मेरा तेरे सम्मान की रक्षा, अब लक्ष्य है मेरा तेरे सम्मान की रक्षा, शुचि प्रेम का कलुषित न कभी रूप करूंगी, प्रेम का कलुषित न कभी रूप करूंगी। और देखिए प्रेम करने का अधिकार तो सबको है, जब आपका जीवन प्रेममय होता है तो संपूर्ण सृष्टि आपको प्रेममय दिखने लगती है। तो आपको ओज की जरूरत क्या है, ओज नहीं खोज करिए और प्रेम करिए, अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे बाकी की समस्या सब अपने आप समाधान की ओर अग्रसर होती जाएंगी। और देखिए एक सैनिक प्रेम करता है और सैनिक की वजह से जब उसका विवाह विच्छेदित होता है तो एक सैनिक की प्रेमिका की पीड़ा क्या होती है वो सुनिएगा। सैनिक के प्रेमिका की पीड़ा की देश का ये पहला गीत है, सुनिएगा क्या होती है। वो राष्ट्र प्रेम में राम के जैसी मर्यादा में बंधा हुआ होता है, क्योंकि सैनिक भी एक हाथ से शस्त्र उठाता है और दूसरे हाथ में उसके शास्त्रों का मार्ग होता है। अब देखिए उसकी पीड़ा क्या होती है, सुनिएगा। इसमें इस गीत में दो युगों की बात है, प्रतीक देखिएगा, सुनिएगा। मैं दादा धूमकेतु का ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। राधा जैसा, राधा जैसा प्रेम है मेरा, राम सी है उनकी मर्यादा, राधा जैसा, राधा जैसा प्रेम है मेरा, राम सी है उनकी मर्यादा, एक नदी के दोहे किनारे, एक नदी के दोहे किनारे, और कहूँ क्या इससे ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधा सा है, राधा सा है प्रेम ये मेरा, राम सी है उनकी मर्यादा, एक नदी के दोहे किनारे, और कहूँ क्या इससे ज्यादा। बंद सौते करती हूँ, सुनिएगा। वो क्या सोचे मैं भी जानू, मैं क्या सोचू वो भी जाने, मैं क्या सोचू वो भी जाने, कुछ ना बोले मुँह ना खोले, मन ही मन की बातें तोले, मन ही मन की बातें तोले, अग्नि परीक्षा कैसी है ये, अनुभव कम अनुभूति। क्या बात है, वाह 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 वाह।
एक नदी के दोहे किनारे और कहूँ क्या इससे और कहूँ क्या इससे ज्यादा मन का पंछी उड़ता जाए जीवन शाम घनेरी छाए मिलता नहीं है रैन बसेरा जाने कब आएगा सवेरा उनके प्रतीक्षा करते करते बीत गया है जीवन राधा सा है बीत गया है जीवन आधा राधा सा है और गीत का वो बंद समर्पित करती हूँ जिसे आप प्राण बंद भी कह सकते हैं फेरों का अनुबंध सजा कर जग ने मुझको बांध दिया है अंतर मन को राख बना कर इस रिश्ते का नाम किया है इस रिश्ते का नाम किया है कैसे पूरा कर पाऊंगी मैंने किया था उनसे जो वादा राधा जैसा राधा जैसा प्रेम ये मेरा राम सी है उनकी मर्यादा एक नदी के दोहे किनारे और कहूँ क्या कहते हैं मौसम बदल देना और विजयलक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया है मौसम बदल दिया है उनकी रचनाएं सुनने के बाद मुझे भी एक रचना याद आ गई कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो और मैं सजदा भी रोज करता हूँ मैं फिर भूल गया कई बार भूल जाता हूँ इतनी प्यारी रचनाएं सुनी है कि जो एक पंक्ति सारी पंक्तियों के बाद अगर मुझे लगता है सारे हमारे देखने वालों के जहन में घूम रही होगी तो वो थी याद पर कि याद रखते नहीं है याद करते नहीं है जिसको याद किया जाता है वो तो साथ रहता है बिल्कुल इस जिस तरह की रचना हुई है और हम आज़ादी की बात कर रहे थे हम आज़ादी के प्रेम में थे वहाँ से हम रूहानी प्रेम तक पहुँच चुके हैं इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है जब तरह तरह की बातें हमारे साहित्यकार हमारे रचनाकार सामने लेके आते हैं इतिहास अब खुद नए सिरे से इतिहास लिख रहा है अब तक हमें सरकारों ने साजिशन कुछ ऐसा पढ़ाया जो हमारा इतिहास था ही नहीं मसलन अकबर महान था महाराणा प्रताप नहीं और जब महाराणा प्रताप की बात हो ऐसे में राजस्थान को भूल जाएं वहाँ की शौर्य गाथाओं को भूल जाएं ये संभव ही नहीं हो सकता हमारे साथ राजस्थान की पावन मिट्टी के शौर्य और बलिदान को उकेरने वाले कलम के चितेरे पवार राजस्थानी जी हैं हम उनसे कविता सुनें उसके पहले कैफी आजमी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कोई तो सूझ चुका है कोई तो जिम्मा ले कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है पवार साहब आज का मंच कलम और कंठ की दृष्टि से बहुत धनी मंच है और आज का दिन भी अविस्मरणीय है ऐतिहासिक है और बड़ा गौरवशाली है क्योंकि इस दिन से हमारे शहीदों की देशभक्तों की लाखों जो बलिदानों की गाथाएं जुड़ी और कहा भी है कि सूरज तो सोते हुए को जगाता है लेकिन बलिदान मुर्दों में प्राण सुभाष जी ने सुभाष जी का भी एक नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसका अर्थ यही है कि बलिदान के बिना आजादी प्राप्त नहीं होती इसी धरातल से एक पुस्तक सबसे पहले पढ़ता हूँ कोंख बांझ हो जाएगी यदि बलिदान नहीं होगा कोंख बांझ हो जाएगी यदि बलिदान नहीं होगा कविता मुजरा हो जाएगी यदि स्वाभिमान नहीं होगा कोंख बांझ
गुणगान नहीं होगा, कविता मुजरा हो जाएगी यदि स्वाभिमान नहीं होगा। और जब तक वीरों की धरती पर, जब तक भारत की धरती पर वीरों के वंश जीवित हैं, तब तक शत्रु से आतंकित ये हिंदुस्तान है। वाह, कि हमने बूढ़े इतिहासों को जोहर करना सिखाया है, हमने बूढ़े इतिहासों को जोहर करना सिखाया है। जब धरती ने मांगा पानी तब हमने रक्त पिलाया है, जब धरती ने मांगा पानी तब हमने रक्त पिलाया है। बच्चे बूढ़े और जवानों ने जब शीश कटाए हंसकर, बालक वृद्ध जवानों ने जब शीश कटाए हंसकर, तब ये आजादी का डोला अपने घर तक आया। कि हमने बूढ़े इतिहासों को जोहर करना सिखाया है, धरती ने मांगा पानी तब हमने रक्त पिलाया है, और बालक वृद्ध जवानों ने जब शीश कटाए हंसकर, तब ये आजादी का डोला अपने घर तक आया है, तब ये आजादी का डोला अपने घर तक आया है। और सैनिकों को नमन करते हुए एक पुस्तक कोट करता हूँ, सागर का खारा पन सारा, सागर का खारा पन सारा उड़कर बादल हो जाता है, सागर का खारा पन सारा उड़कर बादल हो जाता है, दीपक का काला पन सारा अंजकर काजल हो जाता है, और रक्त चढ़ाकर, अरे रक्त चढ़ाकर देशभक्त ये बोला भारत माता से, सीमा पर वीरों का लोहू गंगा जल, चढ़ाकर देशभक्त ये बोला भारत माता से, सीमा पर वीरों का लोहू गंगा जल हो जाता है। और आज धर्म के नाम पर दुनिया लड़ रही है, बहुत ज्यादा एक मुख्य पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत जितने चाहो धर्म बदल दो, चाहूंगा जितने चाहो धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। सही बात, जितने चाहो धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा, मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। जितने चाहो धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा, मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा, पर बदलेगा हर कमंद आज का, पर शमशान नहीं बदलेगा, पर तुम बदलो या हम बदले, क्या बात है। इसी तरह से विचार करते और कोई भगवान कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई रहमान कहता है, जो पीड़ा सूर सहता है वही रसखान सहता है, पर जलाते क्यों धर्म की आग में हिंदू मुसलमान को, सभी की रक्त की धारा में हिंदुस्तान है। और एक गुप्तक भौगोलिक भी है और ऐतिहासिक भी है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। तिब्बत खोकर, क्योंकि हमने आजादी के बाद बहुत सी चीजें छूट गई हमसे, तिब्बत खोकर मानो हमने हिंदी के मान को बेच दिया, तिब्बत खोकर मानो हमने हिंदी के मान को बेच दिया, बिस्मिल अशफाक भगत सिंह के अनुपम बलिदान को बेच दिया। वाह, तिब्बत खोकर मानो हमने हिंदी के मान को बेच दिया, बिस्मिल अशफाक भगत सिंह के अनुपम बलिदान को बेच दिया, आधा कश्मीर गंवा करके, आधा कश्मीर गंवा करके निज स्वाभिमान को बेच दिया, कुर्सी के खाते ये जन्नों क्यों हिंदुस्तान हिंदुस्तान को बेच दिया। आखिरी वक्त तक सुनिए कि भारत महाभारत हो जाए, भारत महाभारत हो जाए, ऐसा महाभारत इतिहास लिखो कवियों से, भारत महाभारत हो जाए, ऐसा महाभारत इतिहास लिखो, गोरा बादल पर गाथाएं आला उदल पर रास लिखो, भारत महाभारत हो जाए, ऐसा महाभारत इतिहास लिखो, गोरा बादल पर गाथाएं आला उदल पर रास लिखो, खून मगर जयचंदों का कभी भूले से मत छू लेना, मेरे लोहू की स्याही से जो भारत का इतिहास लिखो। और इन वक्तों के साथ ही मैं आपका ध्यान देश की उस धरती की ओर आकर्षित करता हूँ जहाँ कविता शोध हो जाती है, पराक्रम हो जाती है, साहस हो जाती है, वीरता हो जाती है, बलिदान हो जाती है, जिस धरती पर बलिदान हो जाती है कविता, वो धरती तीर्थ हो जाती है। ऐसी तीर्थ स्थली
ऐसी समर भूमि, ऐसी रण भूमि, ऐसी युद्ध भूमि हल्दी घाटी के शहीद मृत्यु मृत्यु जहां जिंदगी में बदल जाती है, मृत्यु जहां पर जिंदगी में बदल जाती है, मृत्यु का जिंदगी में बदलना बड़ा एक्सेप्ट थॉट है कि कैसे बदली है, और अगर बदलती है तो जीवन ही सार्थक हो जाता है। मृत्यु जहां पर जिंदगी में बदल जाती है, जवानी जहां पर तलवार की धारों पर मचल जाती है, जवानी जहां पर तलवार की धारों पर मचल जाती है, धधकती आग में जहां पर चढ़ने की परिपाटी है, उस मंदिर की माटी का नाम मृत्यु जहाँ पर जिंदगी में बदल जाती है, जवानी जहाँ पर तलवार की धारों पर मचल जाती है, धरती याद में जहाँ पर चढ़ने की परिपाटी है, उस मंदिर की माटी का नाम हल्दी घाटी, हल्दी घाटी अरावली पर्वत के शिखर पर तलवार सी टंगी है, कहने को हल्दी की घाटी है, कहने को हल्दी की घाटी है, लेकिन सारी की सारी खून से रंगी है, कहने को हल्दी की घाटी है, लेकिन सारी की सारी खून से रंगी है, यहाँ का खून खून है, अरे यहाँ का खून खून है, नाखून नहीं, यहाँ का खून खून है, नाखून नहीं, जब भी बोलता है मृत्यु के सर पर चक्कर बोलता है, अरे यमराज घबरा जाता है जब यहाँ का दूध लहू में नहाकर धरती माता का एक एक कण अपने माथे से तोड़ता है, और उसका पटाखी टूटकर भारत माता की जय बोल। क्या बात है, और उसका पटाखी, और उसका पटाखी उठकर भारत माता की जय बोलता है, इस धरती का एक लाल कण उठाकर तो देखो, और इस धरती का एक लाल कण उठाकर तो देखो, कितने शहीदों के लहू से कण छुड़ा है, कितनी देवियों के आशीर्वादों से बना है, मुझदिल इसे देख कर आंखें मत डबका देना, क्योंकि इस पर आंसू गिराने वाला है। मुझदिल इसे देख कर आंखें मत डबका देना, क्योंकि इस पर आंसू गिराना मना है, यहाँ पर आज भी हड्डियां निर्वचन नंगी तलवारों से बिखरी पड़ी है, छूकर मत जगा देना उनका सीना करा है, छूकर मत जगा देना उनका सीना तना है, उनके कंठ में हर हर महादेव का नारा है, भुजाओं में सत्यमेव जयते की कहानी है, हड्डियां अवश्य अकाल सी सूखी सूखी है, लेकिन मुखियों में बोलती जवानी है, जवानी जवानी पर तलवार का पानी देखता है, तो उस बूढ़े नरकंकाल में देखो जो हल्दी घाटी के मैदान में आज भी इतिहास बनकर खड़ा है, ये वही तो रुंड है जो बिना मुंड रात भर रहा है, वही तो मुंड है जो बिना मुंड रात भर रहा है, और लड़ता और आगे बढ़ता, लेकिन भाई ने सिंहासन के लिए उसके पांव में माथा धरकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, और उसके इशारे पर एक जयचंद्र ने उसके पीठ पर छुरा भोंक दिया, रंजित होकर रणखेत में कूद गया, लेकिन पीठ में लगा विश्वासघात उसे आज तक याद है, जबकि अपनी बेटी के मीठे बोल समर यज्ञ में भूल गया, जो तुतलाती हुई आवाज में अपने बापू से बिछुड़ते समय बोली थी, बापू बापू जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना, मेरे लिए भी लाना ये सभी अपना राना सांगा की तलवार लाना, फिर बापू मैं भी आपके साथ हल्दी घाटी चलूंगी, अरे हल्दी घाटी चलूंगी, और जब तुम थक जाओगे बापू तो मैं दोनों हाथों से लड़ूंगी, तो बाद में मरना बापू, पहले मैं मरूंगी, पहले मैं मरूंगी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि आपका नाम बदल देना चाहिए था, लोगों ने गलती की कि आपको पवार राजस्थानी के रूप में स्वीकार किया, आपका नाम होना चाहिए था पावर राजस्थानी। तमाम सारी कविताएं हमने सुनी, पवार राजस्थानी साहब को सुना, और रोंगटे खड़ा कर देने वाला काव्य की रचना आपने की है, और इस तरह के काव्य की सिर्फ आजादी से पहले, आजादी के समय या आजादी के बाद नहीं, हर कालखंड में इसकी जरूरत होती है, जो हमको दिशा दिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे और हमारे इतिहास से हमको परिचित कराए। कविताओं का यह सिलसिला जारी रहेगा वंदे मातरम में, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है, फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चरल साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर, विजिट lnctu.ac.in। ब्रेक के बाद वंदे मातरम में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
कविताओं की महफिल जमी हुई है पवार राजस्थानी जी की कविताओं के बाद, अब किसे सुना जाए ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न जैसा है, लेकिन मैं एक केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं जो समर्पित करना चाहता हूं धूमकेतु जी को, कि अगर वो इजाज़त दें, क्योंकि हम धूमकेतु जी को सुनना चाहते हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ कहूँगा, लेकिन उसके पहले जो पंक्तियाँ याद आई हैं वो बहुत जरूरी लग रही हैं, कि जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे से नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। इस तरह की जो रचनाएं हैं वो ओश तो भर देती हैं, लेकिन महफिल में जो हमारे साथ मौजूद कवि हैं वो इन रचनाओं से भी ऊपर हैं, इससे भी बेहतर हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कविता के आसमान पर धूमकेतु की तरह चमकने वाले धूमकेतु जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप हास्य के रथी हैं, व्यंग्य के महारथी हैं और राष्ट्रवाद के भागीरथी हैं। धूमकेतु जी की उम्र पे आप मत जाइएगा, उनमें नौजवानों जैसी धूम है और राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए वो केतु बन जाते हैं। आदरणीय धूमकेतु जी, अभी आपने देश के प्रख्यात कवि पवार राजस्थानी से ओजपूर्ण भाषा में कविताएं सुनी, मंच का संचालन बहुत अच्छे ढंग से उपाध्याय जी कर रहे हैं, हमारी विद्या जी ने तो कह दिया कि दो बूढ़ों के बीच में वो बैठी हुई हैं। आपसे एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं, हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं, रंग रूप की छटा निराली हर दृष्टि से पूरी हैं, और ये भी सच है हम बूढ़े हैं, आपकी भी मजबूरी है कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है, कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है। हमारे हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें बड़े बड़े मंचों के कवि जो हैं वो ये कहकर कि ये वाहियात शब्द हैं। एक मरतबा धर्मवीर भारती ने चकलदस के कार्यक्रम में मैं कविता सुना रहा था, तो वो सबसे आगे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि दुख दे दुख ये कुत्ता अच्छा नहीं लगा, एक शब्द कविता में आ गया था कुत्ता, ये बाकी तो तुमने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, ये कुत्ता अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा दादा, भारती जी से मैंने कहा दादा स्वान कर लेता हूँ, हंस दिए कि मानोगे नहीं, क्योंकि हम भाई हास्य व्यंग्य के कवि हैं, हम मानने वाले नहीं हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे शब्द हैं जिन्हें लोगों ने कबाड़ खाने में फेंक के रखा है, हमने उन्हें संजो लिया क्योंकि वहीं पैदा भी हुआ। दादा भारती जी की परंपरा आज भी चली आ रही है, अब वो कुत्ता जो है ना वो नोटी और डॉगी हो गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूँ कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बला की तड़फड़ाहट है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बला की तड़फड़ाहट है, गरीबों के लिए दिल में सदा से फड़फड़ाहट। हमारे पप्पू जी इस समय बहुत, उन्हें बहुत ज्यादा इस बात का दुख है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, बला की फड़फड़ाहट है, गरीबों के लिए दिल में सदा से तड़फड़ाहट है, और मुर्गे फांस लाए हैं विदेशी नस्ल की मुर्गी। मुर्गे फांस लाए हैं विदेशी नस्ल की मुर्गी, उसी मुर्गी के अंडे से चेहरे पे तम तमा है, मुर्गी के अंडे से। लोग बात सोच रहे हैं कि ये फिर से अभी यह धुरंधर ने कहा कांग्रेस, अब बड़ा मुश्किल है, और मुर्गी के अंडे तक। एक और बात मैं चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कवित्रियाँ हमें मंच पे मिल जाती हैं
यहाँ तो बड़ी शालीनता के साथ इन्होंने कविता पाठ किया, मैं तो नमन करता हूँ इनको कविता के लिए। वरना कुछ इस तरह की मिल जाती है कि दद्दा अब ये उम्र आपकी जो है वो लेने की नहीं देने की है। हमने कहा जिंदगी भर तो हमें दिया ही तो दिया, तो वो सब नाराज हो गई, क्या दिया आपने बताइए, आपने इतने लोगों के बीच में क्या दिया दिया है, क्या दिया आपने। तो फिर मुझे बताना पड़ा कि दिया था मेहंदी का पैकेट, गए थे जब फरीदाबाद, दिया था मेहंदी का पैकेट, गए थे जब फरीदाबाद, कलाई खन खनाई थी उठा लाए फिरोजाबाद। और तुम्हारे तुम्हारे जिस पर मोती सजाया आखा हैदराबाद, हमारे गीत गजलों से मिला भरपूर आशीर्वाद, और शिकायत फिर भी हमसे कि तुमसे कुछ नहीं पाया, अरे मुर्गे की जान ले ली, आमलेट बिरयानी तक खाया। ऐसा कहना पड़ता है, क्या करें, बड़ा मजबूरी है। असल में 75 वर्ष जो लोकतंत्र हमारा देश का है लोकतंत्र, उसने हमको ये आजादी दी कि हम कुछ भी बोले कुछ भी करें, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। हमारी कुछ कवितियां तो ऐसी हैं जो 2-3-4 कविता लिखती हूँ, लिखती क्या है लिखवा के लाती हूँ, और उसके बाद चाहती हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री बन जाए। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि बरसती बूंद में देखो बला की बुदबुदाहट है, बरसती बूंद में देखो बला की बुदबुदाहट है, और चटकती चांदनी में भी चाहत की चुलबुलाहट है, चटकती चांदनी में भी चाहत की चुलबुलाहट है, अभी कम सिंह हो कोमल हो कयामत बाद में ठाना, अभी कम सिंह हो कोमल हो कयामत बाद में ढाना, और कली को कामनी बनने की कितनी कुलबुलाहट है, कली को कामनी बनने की कितनी कुलबुलाहट है। हमें कहना पड़ता है कि चर्चा है आपकी भी कुछ गिने चुनों के बाद, होता है जिक्र आपका भी कम सिंहों के बाद, मगरूर न हो आप जवानी की उफन पर, गंगा भी उतर जाती है थोड़े दिन, गंगा भी उतर जाती है थोड़े दिनों के बाद। मैं कहना चाहता हूँ कि हर शख्स की जुबा पे कहानी में आप, हर शख्स जानता है जवानी में आप है, लेकिन हकीकत जानता है केवल आईना, लेकिन पवार साहब लेकिन हकीकत जानता है केवल आईना, कब कैसे कहाँ कितने पानी में आप, कैसे कितने पानी में आप है। ये असल में क्या है कि आज 15 अगस्त का वो दिन है जब हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं, और कभी कभी लगता है कि हमको इससे ज़्यादा हट कर बात रखना चाहिए। जब पवार राजस्थानी जी से मंच पर विराजित हों, जब मयंक जी और यश धुरंधर अपनी कविताओं से एक नई दिशा बोध करा रहा हूँ, जब विद्या दी ने जो कविता सुनाई उसमें जो मौलिकता हमको दिखी वैसी आज तक दिखती नहीं, तो हमको लगता है कि धूमकेतु जरा ढंग की बात करो, और जब धूमकेतु के मन में ये बात आती है कि ढंग की बात करो, तब फिर हमको कहना पड़ता है कि जिस दिन देश की जनता तुमको समझेगी प्यारे, जिस दिन देश की जनता तुमको समझेगी प्यारे, उस दिन देश में इनकलाब के गूंजेंगे नारे, उस दिन देश में क्रांति क्रांति के गूंजेंगे नारे, सूत संस्कृति मान मर्यादा सबका पतन हुआ, चोर चोर मोसेरे भाई खाई और कुआ, चढ़ा दाव पर नारी को कितना अपमान किया, और जिसने वस्त्र उतार दिए उसको सम्मान दिया, रूखा चारा खाने वाले हो, जिस दिन देश की जनता तुमको समझेगी प्यारे, उस दिन देश में इनकलाब के गूंजेंगे नारे, सूत संस्कृति मान मर्यादा सबका पतन हुआ, चोर चोर मोसेरे भाई खाई और कुआ, चढ़ा दाव पर नारी को कितना अपमान किया, जिसने वस्त्र उतार दिए उसको सम्मान दिया, पशु का चारा खाने वालों पशु शर्माए हैं, और हंसते हंसते आंख में उनके आंसू, बूढ़े खूसट रिजेक्ट बने सब युवकों के नेता, कठपुतली बन गए विदेश की अपने अभिनेता, जिस दिन जनता पहचानेगी अपने हत्यारे, जिस दिन जनता
पहचानेगी अपने हत्यारे, उस दिन देश में इंकलाब के गूंजेंगे नारे, उस दिन देश में क्रांति क्रांति के गूंजेंगे नारे। बहुत बढ़िया। एक और बात कहना चाहता हूँ, 15 अगस्त है और बहुत बढ़िया दखल ने कार्यक्रम रखा है, इसलिए मैं ये पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि चुम्मा चुम्मा आंख मारे है फिल्मी तराने, गाने तो हम लोग लिखते हैं, चुम्मा चुम्मा आंख मारे है फिल्मी तराने, चोली के अंदर क्या है राष्ट्रीय गाने, अरे राष्ट्रीय गाने हुआ करते थे, वतन की राह हमें वतन की नो जवा शहीद हो, या हुआ करते थे मुझे तोड़ा लेना बनमाली और उस पथ पर देना फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर रहे, या हुआ करते थे वंदे मातरम सुजराम सुफलाम मलयति शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, मगर आज चुम्मा चुम्मा आंख मारे है फिल्मी तराने, चोली के अंदर क्या है राष्ट्रीय गाने, ब्लू फिल्मों की आज देश में बाढ़ खूब आई, फैन बने माइकल जैक्सन के सगे बहन भाई, कमर मटकाती अभिनेत्री पर बूढ़े फिदा हुए, सत्ता में बैठे राजा ने उसके चरण छुए, दुबई हांगकांग हॉलीवुड के जबरदस्त हमले और ड्रग माफिया के हिंद हमलों से युवा कहां से, सबको मालूम है कि गुलशन कुमार की हत्या कैसे हुई, सबको मालूम है, और उसका हत्यारा भोपाल में कैसे पकड़ा गया सब जानते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दुबई हांगकांग हॉलीवुड के जबरदस्त हमले ड्रग माफिया के इन हमलों से युवा कहां समझे, शहीदों की टोली सोई संसद को ललकारे, उस दिन देश में इंकलाब के गूंजेंगे नारे, उस दिन देश में इंकलाब के। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ उपाध्याय जी के फुटपाथों पर बिलख रहे वे भी सब अपने हैं, फुटपाथों पर बिलख रहे वे भी सब अपने हैं, जीने का हक उनका भी ये उनके सपने हैं, जिन महलों में हवा खा रहे उनने ताने हैं, आज वही उपेक्षित हैं और वही बेगाने हैं, एक दिन मिलकर ये सब सूरज नया उगाएंगे, जिस सिंहासन पर बैठे उसको उल्टाएंगे, धरती कांपेगी अंबर से टूटेंगे तारे, उस दिन देश में इनकलाब के गूंजेंगे नारे, उस दिन देश में क्रांति क्रांति के गूंजेंगे नारे। ये मैंने इसलिए बात कही कि 15 अगस्त है और 15 अगस्त पर यदि हमने ये बात नहीं की तो सब, लेकिन अब एक और बात है कि श्रावण मास चल रहा है और 15 अगस्त का दिन है, कांवड़ यात्रा प्रतिबंध है, अमरनाथ यात्रा कर नहीं सकते, तो आइए अब आप सबने भी मुझसे पहले ही आग्रह कर दिया था, मगर मैं उसे आग्रह को आदेश मानकर एक कविता सुनाता हूँ, इसमें व्यंग का भी मजा लीजिए, हास्य का पुट भी देखिए और बात करना चाहता हूँ। शहर गांव में हो रहे दंगे, पूंजीपति मिले भिकमंगे, टूटे चरित्र के दिख रहे चंगे, सभ्य समाज में पुज रहे नंगे, शासन तक हो रहा अनाथ, देख रहे हो बोले तो ताली बजाने के बजाय अगर आखिर में जो शब्द मैं बोलता हूँ देख रहे हो, और अगर आप कह देंगे भोलेनाथ तो आज का मंच सार्थक हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शहर गांव में हो रहे दंगे, पूंजीपति मिले भिख मंगे, टूटे चरित्र के दिख रहे चंगे, सब समाज में फूल रहे नंगे, शासन तक हो रहा अनाथ, देख रहे हो लूट खचोट है आठों पहर, पाप की बहरी खूनी नहर, ढोलगी संतों के बड़े कहर, प्रसाद बांट रहे मिला जहर, कलंकित धर्म और परमार, देख रहे हो मजहब की लेकर के ओट, संविधान पर करते चोट, पेट्रोल डॉलर के ही नोट, देश में करते बम विस्फोट, मिला रहे दुश्मन से हाथ, देख रहे हो देख रहे हो, तो खास खास गर्दन के नाप, सर पर चढ़कर बोले पाप, कल तक कहलाते थे टाप, तुम निकले उनके भी बाप, तुम निकले उनके भी बाप, गोरखनाथ के सदरह स्वार्थ, देख रहे हो। तो मंच पर विजया जी बैठी हुई है, नारी शक्ति का प्रतीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गीत मीत के खूब गवाया, गीत मीत का खूब गवाया, करवा चौथ का व्रत रखवाया, कड़वा मीठा स्वाद चखाया, बात तंदूर में उसे जलाया, नीच लोगों के ऊंचे मात, देख रहे हो नीच लोगों के ऊंचे मात, देख रहे हो। और चुनाव आ रहा है, चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है, 5 जगह चुनाव आ रहा है, 5 राज्यों में, और अभी से कैसे घेरा घारी हो रही है आप देख रहे हो, संसद ठप पड़ी हुई है,
खिलाड़ी बेचारे खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनके प्रति सहानुभूति दर्शाने वाले की देशभक्ति को भी अपने नजर से देख रहे हैं, तब मुझे ये कहना पड़ता है कि किस तरह की बातें हो रही, ममता जी आके कैसे मिली सोनिया जी से, माया जी से कैसे बात हो रही। मैं कहना चाहता हूँ कि कल तक भूले आज ये ध्यान, कल तक गाली आज सम्मान, कल तक पूजा आज अपमान, कल तक जीवन आज अवसान, पाप पुण्य की गठरी साथ देख रहे हो, और बिगाड़ के रख दी है तस्वीर, अब नहीं सुधर गई। लेकिन इन 75 साल में हमने देखा, 60 साल वो भी हमने देखा है कि बिगाड़ के रख दी है तस्वीर, समझ ना आए कुछ तस्वीर, बिखरा चंदन और अबीर, कष्ट में था केसर कश्मीर, दर्शन दुर्लभ अमरनाथ देख रहे हो, वो भक्तों की आ रही कजा, दुष्टों को भी मिले सजा, तब आएगा बड़ा मजा, शंकर अपना डमरू बजा, सोया पड़ा हुआ पुरुषार्थ। लेकिन अब मैं कहता हूँ 370 जैसे ही हटी तो मैंने बदल दी और मैंने कहा कि जाग उठा है अब पुरुषार्थ, देख रहे हो, देख रहे हो। और पाकिस्तान ने मन में ठानी, जैसे धुरंधर ने पाकिस्तान की बात की तो मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान ने मन में ठानी, पाकिस्तान ने मन में ठानी, कश्मीर में होगी मनमानी, दिल्ली की सत्ता महारानी खिलाएगी फिर से चिकन बिरयानी, और मोदी बन गए भैरवनाथ, देख रहे हो, देख रहे हो। और अंतिम कविता के रूप में मैं अपनी आज की परिस्थितियों में बात करना चाहता हूँ, बात तो मैं करना चाहता था बहुत कुछ, क्योंकि जो बात अभी तक आई है वो तो ये था कि रचे जहाँ पर वेद रचाएं गीता और पुराण, उस माटी को नमन हमारा शत शत बार प्रणाम, रचे जहाँ पर वेद रचाएं गीता और पुराण, उस माटी को नमन हमारा शत शत बार प्रणाम, पहाड़ों की उन्नत ललाट, नदियां हैं उल्लासित, स्वयं प्रभु की कर्म स्थली, श्लोकों से आच्छादित, जिस धरा को स्वर्ग से ज्यादा बतलाते श्री राम, उस माटी को नमन हमारा शत शत बार प्रणाम। 15 अगस्त का कार्यक्रम है भाई, सिंहों के जबड़ों को फाड़ कर दांतों को गिनता जो, सिंहों के जबड़ों को फाड़ कर दांतों को गिनता जो, सिंहों के जबड़ों को फाड़ कर दांतों को गिनता जो, काल जयी अजात शत्रु मृत्युंजय कहलाता वो, दिग दिगंत प्रतापी भरत से भारत बना महान, उस माटी को नमन हमारा शत शत बार प्रणाम, उस माटी को नमन हमारा। लेकिन ये बात मैं विशेष रूप से कहूंगा कि तुलसी सूर कबीर जायसी और मीरा दीवानी, तुलसी सूर कबीर जायसी और मीरा दीवानी, प्रसाद निराला पंथ मैथिली महादेवी कल्याणी, सरस्वती के भरत पुत्रों ने गाया जिसका गान, उस माटी को नमन हमारा शत शत बार। लेकिन अब जो एक बात कह के यहाँ पे मैं बात खत्म करना चाहूंगा, वो जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो अगर मैंने ये बात नहीं की तो मेरी देशभक्ति जो है ऐसा लगता है कि लड़खड़ाएगी। इन 75 वर्षों में हमने बहुत अच्छा अच्छा देख लिया, अब इसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि 370 हट गई, न ये कहने की ज़रूरत है कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी जो है एक ऐसे व्यक्ति को जिसने देश के लिए समर्पित हो गया उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हास्य व्यंग का कवि हूँ, चूकूंगा तो नहीं, और फिर इस मंच से बिल्कुल नहीं चूकूंगा, क्योंकि ये चैनल जो है इसने मुझे पूरी आजादी दी कि आप जो है अपनी बात कहें, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी बहुत बुरा है, सही कह रहा हूँ, मोदी बहुत बुरा है तो उसका विकल्प बतलाओ, मोदी बहुत बुरा है तो उसका विकल्प बतलाओ, कितने पीएम होंगे देश में सही सही दिखलाओ, कितने पीएम होंगे देश में सही सही दिखलाओ, माया ममता राहुल अखिलेश पीएम पद अभिलाषी, माया ममता राहुल अखिलेश पीएम पद अभिलाषी, और ओवैसी नायडू चिदंबरम
ताक में दक्षिण भाषी और चुप बैठेंगे बिहारी बबुआ, चुप बैठेंगे बिहारी बबुआ, इसकी क्या गारंटी? चुप बैठेंगे बिहारी बबुआ, इसकी क्या गारंटी? उत्तरांचल झारखंड में उड़िया में बैठे बैठे बबली बंट चुप बैठेंगे बिहारी बबुआ, इसकी क्या गारंटी? उत्तरांचल झारखंड उड़िया में बैठे बबली बंटी और मौका परस्त स्वार्थियों ने किया है ये ठग बंधन। क्या बात, ये गठबंधन नहीं, ठग बंधन। मौका परस्त स्वार्थियों ने किया है ये ठग बंधन, लिपटे हुए। इस पर आशीर्वाद चाहता हूँ, ये जो पंक्तियां मैं कहूंगा इस पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मौका परस्त स्वार्थियों ने किया है ये ठग बंधन, लिपटे हुए भुजंग जहरीले, लिपटे हुए भुजंग जहरीले एक बेचारा चंदन, लिपटे हुए भुजंग जहरीले एक बेचारा चंदन, और पीर ओलिया पहन के बैठे बाघम भरी परिवेश, पीर ओलिया पहन के बैठे बाघम भरी परिवेश, रसातल में ये पहुंचा देंगे, रसातल में ये पहुंचा देंगे अपना स्वर्णिम देश, रसातल में ये पहुंचा देंगे अपना स्वर्णिम देश। जय भारत। धूमकेतु जी जैसा नाम है वैसी ही कविताएं करते हैं और काव्य आकाश के धूमकेतु बने हुए हैं। वंदे मातरम ने आपने इस काव्य गंगा में डुबकी लगाई, युवाओं से बुजुर्ग जोशीले युवा कवियों से कविताएं सुनी। आज़ादी की इस वर्षगांठ पर आशावाद के तहत भरोसा किया जाना चाहिए कि देश तमाम किस्म के कुहासों से बाहर निकलेगा और देश का डंका बजेगा। लेकिन चलते चलते पूर्व प्रधानमंत्री कवि अटल बिहारी वाजपेयी की एक रचना की पंक्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सब सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वे क्या कहते हैं। वाँ, 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 वाँ। हिंद के नाते उनका दुख सुनते यदि लाज आती तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान जहां खरीदा जाता, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं, लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया, बस इसलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। वंदे मातरम में शामिल होकर मयंक जी, यश जी, विजय लक्ष्मी जी, पावर राजस्थानी जी और धूमकेतु जी, आप सबने दखल को जो समय दिया और दखल के दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश की, और मुझे यकीन है कि आपकी कविताओं को लोगों ने बेहद पसंद ही नहीं किया होगा, आपकी कविताओं को लोग गुनगुनाएंगे। आज बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज। नमस्कार। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।